please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केरल में फैले जानलेवा निपाह वायरस के बाद हिमाचल प्रदेश के नाहन में मरे हुए 18 चमगादड़ मिलने से हड़कंप मच गया है। ये चमगादड़ एक स्कूल के पास मिले, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। जांच करने पहुंची प्रशासन की एक टीम का कहना है कि ऐसे मामले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा संख्या में चमगादड़ मरे मिले हैं, जिससे लोग दहशत में आ गए। प्रशासन केरल में निपाह वायरस से हुई कुछ मौतों के बाद से एहतियात बरत रहा है। जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 10 लोग जो है वो केरला में निपाह वायरस की वजह से और एनसेफलाइटिस की वजह से उनकी डेथ होगी, तो ये स्वाभाविक था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले। तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए तो देखा कि वाकई यानी कि 10-12 वार्ड जो है वो मरे पाए गए। सैंपल्स भी इनके वेटरनरी डिपार्टमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिए, और जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का फंक्शन था उसमें हमने सभी बच्चों को और टीचर साहिबान को, यहाँ के प्रिंसिपल को बैठा के सभी को सेंसिटाइज किया कि निपाह वायरस क्या है और इसका अगर इन्फेक्शन होती है तो उसके बचाव क्या है। मॉर्निंग असेंबली के दौरान ये नोटिस हुआ कि कुछ बैट्स यहाँ पर मरे हुए पाए गए। इसकी सूचना तुरंत ही हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी, और साथ साथ ही पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्मा पापड़ी में पहुँचा। सभी लोगों ने इस पे चिंता व्यक्त की, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंपस के अंदर हमारे प्रेजेंट थे, प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी को, सभी को उन्होंने इसके बारे में जागरूक किया। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा के छात्र संगठन AMS यानी अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स के आतंकियों ने आपस में बातचीत करने के लिए एक ऐसा मोबाइल हैंडसेट बनाया जिसकी लोकेशन आसानी से ट्रेस नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से गिरफ्तार किए गए लश्कर आतंकी जैबुल्ला और हमजा ने NIA की पूछताछ में ये जानकारी दी। हमजा ने बताया कि मोबाइल हैंडसेट में खास तरह की चिप लगी होती है और वो आसपास मौजूद मोबाइल टावर के नेटवर्क से जुड़ जाता है, और उस मोबाइल से की जाने वाली कॉल को खुफिया एजेंसियां नहीं पकड़ पाती। अगर खुफिया एजेंसियों ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की तो कॉल अपने आप ही कट जाती। पूछताछ में लश्कर के आतंकी हमजा ने पाकिस्तान में मौजूद उन 7 ठिकानों की भी जानकारी दी जहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। हमजा के मुताबिक मनसेरा के ताबुक इलाके में नए आतंकियों को शुरुआती ट्रेनिंग दी जाती है, फिर मुजफ्फराबाद के अक्सा मस्कर में उनको हथियार चलाना और GPS का इस्तेमाल सिखाया जाता है, जबकि KFC यानी कराची फूड सेंटर से आतंकी लॉन्च पैड तक राशन पहुंचाया जाता है। दिल्ली में गर्मी की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से एक रिक्शा चालक की सड़क पर बेहोश होने के बाद मौत हो गई। दिल्ली में मुकरबा चौक के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई, हालांकि ड्राइवर की जान बच गई। उड़ीसा के घासीपुरा में एक ट्रक के पुल से नीचे गिरने के बाद उसके ड्राइवर की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 13 मोटरसाइकिल के साथ उन्हें चुराने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक सरकारी स्कूल में करीब 20 मरे हुए चमगादड़ मिलने के बाद निपाह वायरस की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई। यूपी के सिकंदराबाद में लड़की के प्रेम विवाह से खफा घर वालों पर लड़के के परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर पत्नी अनुष्का शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फिटनेस चैलेंज पूरा करने को दिया। हेलो सर, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, सो हियर इज माय फेवरेट कोर वर्कआउट। IPL में ईडन गार्डन में खेले गए दूसरे एलिमिनेटर मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 25 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। IPL के दूसरे क्वालिफायर में 25 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जिसकी विजेता टीम 27 मई को होने वाले फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। बेंगलुरु में HD कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर BSP अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सबसे करीब। हाल ही में गठबंधन करने वाले दोनों दलों के नेता पहली बार सार्वजनिक मंच पर एक साथ आए। जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचने वाले अखिलेश यादव ने ही मायावती की अगवानी की। इसके बाद मंच के सामने खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करने के बाद मायावती यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव के पास जाकर खड़ी हो गईं। कुछ देर बातचीत करने के बाद मायावती अपनी जगह पर आकर बैठ गईं। वहीं अखिलेश यादव भी अदब के साथ मायावती के करीब वाली कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद फिर दोनों नेताओं ने कुछ देर तक आपस में बातचीत भी की। इनके अलावा कुमार स्वामी की ताजपोशी के मौके पर लेफ्ट समेत विपक्ष के कई दलों के नेता मौजूद रहे। हालांकि नेताओं की इस भीड़ में ओडिशा के CM नवीन पटनायक मंच से नदारद रहे।
लेकिन विपक्ष ने अपने शक्ति प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह रही कि एचडी कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण के बाद सभी नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें खिंचवाई। यहां भी सोनिया गांधी ने मायावती को खासी तरजीह दी। विपक्ष की एकजुटता में कुछ महीने पहले एनडीए से अलग हुई टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी दिखे, लिहाजा विपक्षी दलों के एक मंच पर आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। आज हमने जो दृश्य देखा, मैं समझ सकता हूँ भाजपा में बड़ी बौखलाहट है, घबराहट है, लेकिन बीजेपी ने भी बिना वक्त गंवाए विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। इतना बड़ा बेमेल 19 में जनता करेगी इनको फेल। बीजेपी ने 2019 में भी एनडीए को ही बहुमत मिलने का दावा किया,